अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। बहुत इंजॉय किया होगा आपने और मज़े मज़े के खाने बना के खाए होंगे। आज हम बना रहे हैं मसालेदार कलेजी, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले हमने कलेजी को बॉयल कर लिया और इसका फिर पानी जो है वो निकाल के इसको टोकरी में डाल के रख ली। एक फ्राई पैन में हमने 1/4 कप ऑयल लिया और एक मीडियम अनियन जो है वो कट करके डाली और इसको हम लाइट ब्राउन सा होने देंगे। साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया अदरक बारीक कटा हुआ और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और दालचीनी और हमने लौंग भी इसके अंदर डाल दी। इसको अच्छे से हमने लाइट ब्राउन सा करना है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए। जैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, लाइट ब्राउन सा प्याज का, तो हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कुटा हुआ जीरा और धनिया। बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन जाती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधे घंटे के अंदर अंदर ये रेसिपी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब इसके अंदर हम साथ ही टमाटर डाल देंगे। ये हमने तकरीबन 2 मीडियम चॉप टमाटर लिए हैं और इसको हम अब अच्छे से थोड़ी सी भुनाई करके, तो हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आँच पर, ये ताकि ये अच्छे से पक जाए। हल्की आंच पे हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और देखिए आधे घंटे के बाद ये माशाल्लाह बिल्कुल कुक है। बस इसका पानी हमने हुश करना है। ये हमने इसके अंदर क्रश्ड चिली डाली है, चिली फ्लेक्स। अब इसको हम साथ साथ इसको भूनते जाएंगे और साथ साथ इसका पानी खुश्क होता जाएगा। और जी आपकी कलेजी मसालेदार ज़बरदस्त सी रेडी। बस इसको गार्निश करें सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिया के साथ, लीमू के साथ और नींबू डाल के खाएं। बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैंने ये गरम गरम रोटी के साथ खाई और यकीन करें कि बहुत बहुत मज़ा आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।